अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद टी डी सिस्टर। तो आज मैं लाई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है शलगम का अचार। शलगम का अचार बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है शलगम, इन्हें मैंने काट लिया गोल गोल इस तरह से। गाजर लिए मैंने, गाजर को इस तरह लंबा लंबा काटा है, और मूली लिए, मूली को भी इस तरह से काट लिया है। गाजर मैंने 2 अदद ली हैं, मूली मैंने 1 ली है। अगर आपके पास मूली बड़ी है तो आप उसकी आधी ले लें। और शलगम मैंने 4 अदद लिए हैं। यहाँ मैंने नमक लिया है, कुटी लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, राई दाना, इसे पीस लिया है। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। शलगम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 जग पानी लिया है। मेरी पतीली छोटी है तो मैंने एक और पतीली में पानी चढ़ाया, मैंने चूल्हा जला दिया है। इसमें उबाल आने तक मैं पकाऊंगी। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें शलगम डालूंगी, ये मैं आधे डालूंगी इसमें, आधे दूसरे वाले पतीले में डालूंगी। अब इसमें मैं गाजर डालूंगी, आधी गाजर डालूंगी और आधी मूली डालूंगी। अब इन्हें इतना पकाना है कि ये आधी गल जाए और आधी कच्ची रहे। ये गल चुकी है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसे ठंडा करूंगी। ये सारी सब्जियां मैंने निकाल दी है, इन्हें मैं ठंडा करूंगी और पानी को अलग ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। ये दोनों पतीलियों की सब्जी मैंने निकाल ली है, अब इसे ठंडा करूंगी। मैंने 2 पतीलियों में इसलिए पानी रखा था क्योंकि पतीली छोटी थी और 2 जग पानी चाहिए हमें अचार डालने के लिए। ये पानी ठंडा हो चुका है। यहाँ मैंने मिट्टी की हंडियाँ ली है, पानी मैंने दोनों को एक ही जगह कर लिया है। ये 2 जग का पानी हो चुका है, अब यही पानी मैं इसमें डालूंगी सारा मिट्टी की हंडिया में। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डालूंगी, हसबे जायका नमक डालूंगी इसमें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/2 कप में ये राई दाना डालूंगी, राई दाना मैंने पीस लिया था, 1/2 कप डालूंगी इसके अंदर। वन एंड हाफ टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। अब इसे अच्छे से चलाऊंगी मैं। हल्दी कम लग रही है तो 1/2 टीस्पून मैं और ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसे अच्छे से चलाऊंगी मैं। अब ये जो सब्जी मैंने बॉईल करी थी, शलजम, मूली और गाजर, अब मैं इसको सबको इसमें डाल दूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर कपड़ा ढकूंगी, इस तरह से इसको ढक दूंगी। अब इसको ना मैं डोरी की मदद से यहाँ से बांध दूंगी। ये मैंने ढक दिया है, अब इसे इससे कवर कर दिया है। अब इसे मैं जो है ना धूप में रख दूंगी 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद बीच में मैं चेक भी करूंगी, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं मिट्टी की हंडिया ले आई हूँ जिसमें मैंने अचार डाला था शलजम का। अब मैं इसको खोलूँगी, इसे 1 हफ्ता हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। बीच बीच में मैंने इसे जाकर चलाया था, ये देखें कितना अच्छा कलर आया इसका। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। टाड़ा, मज़ेदार सा शलगम का पानी वाला अचार तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसे किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।